ललितपुर में सदन साय बाबा की दरगाह पर जो हर वर्ष उर्स भरा जाता था वो एक बार पुनः पूरी भव्यता के साथ भरा गया है। दो साल से कोरोना काल के चलते उर्स नहीं भरा जा रहा था, लेकिन इस बार उर्स भरा गया है और जो श्रद्धालु हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए। इसी भी सुरक्षा व्यवस्था की एक अहम चुनौती होती है और उसको लेके कहीं पर कोई अनियमितता ना हो इसका ध्यान रख रही है ललितपुर पुलिस। जगह जगह चेकिंग की जा रही है, जो भी लोग अंदर आ रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है और रात्रि में जो दृश्य होता है वो बताता है कि उर्स को देखने के लिए लोग किस तरीके से आते हैं। आज कव्वाली का कार्यक्रम है, भीड़ भी जुटेगी, अधिकारी भी आएंगे और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है ललितपुर पुलिस द्वारा। बाबा सदन साय की दरगाह पर हर साल जो उर्स भरा जाता है उसमें हजारों लोग यहां पर आते हैं और इस उर्स में खरीदारी भी करते हैं, इसके साथ साथ बाबा की दरगाह पर मत्था भी टेकते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं। आप लोग भी पधारिए बाबा सदन साय की नगरी ललितपुर में और सदन साय बाबा पर जो उर्स भरा गया है उसका लुत्फ उठाइए। आज कव्वाली है, कव्वाली सुनने जरूर आइए। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।